वेलकम टू पिक अनदर वीडियो दोस्तों। तो आज और हम लोग जो है हेयर को ड्रॉ कर रहे हैं, और जैसे कि आपने देखा होगा इससे पहले वाले भी जो पार्ट में आपको हेयर ड्रॉ करके बताया, और ये जब तक के हेयर कंप्लीट नहीं हो पाते तब तक के हम लोग जो है इसी तरह से पार्ट लाते जाएंगे और आपको कुछ बताते जाएंगे। तो वैसे ये भी इस पार्ट में भी बताऊँगा, और फिलहाल हम लोग देख सकते हो किस प्रकार से जो ड्रॉ कर ले रहे हैं। और ऐसी हमको जो पेंसिल की जो स्ट्रोक है चला लेना है, और ऐसी इस तरह से जो है अभी लाइट ही चला रहा हूँ, और जो चला रहा हूँ तो ये टेन भी नहीं है, चारकोल है और सॉफ्ट वाली, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट चल रही है क्योंकि जो पेज है नॉर्मल है, और ये पता नहीं, और ये पेंसिल भी थोड़ी ख़राब होंगी इस वजह से जो है अच्छे से चल नहीं पाते। और मैं अभी दूसरी पेंसिल लिया हूँ तो ये अच्छी डार्क चल रही है, तो देख सकते हो ऐसे कुछ डार्क कर लेना है, मतलब कि जो डार्क एरिया है उसे डार्क कर लेना है, और जो हाईलाइट वाली जगह है वहाँ पर थोड़ा कम यूज़ करना है, मतलब कि हल्का हल्का चलाना है। और इस तरह से हम लोग जो है हेयर को ड्रॉ कर लेंगे, और जो हेयर हाईलाइट होते हैं ना तो वो काफ़ी अच्छे दिख जाए, और उसके लिए हम लोग को जो है थोड़ा लाइट चलाना पड़ता है। तो देखिए मैं थोड़ा डार्क कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, और ऐसे हम लोग ले। तो दोस्तों आप जो हेयर ड्रॉ कर रहे हो तो काफ़ी धीरे धीरे करना होगा, और आप जितने ज़्यादा आराम से करोगे उतना अच्छा आपसे कुछ भी चीज़ जो है अच्छे से ड्रॉ हो पाएगा। और यदि आप जल्दबाजी करते हो तो उसमें क्या होता है, गड़बड़ी आ ही जाती है, और ये जो है प्रॉब्लम आते रहती है, पता नहीं है। इससे पहले मैं थोड़ा कम जो मोबाइल था ना, तो छोटा मोबाइल था, मतलब कि कम जीबी वाला, मतलब कि 2 GB रैम वाला था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी। और ये अभी मैं 6 GB वाला यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी इसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही, पता नहीं है ड्राइंग वाले में क्यों आ रही है। तो और बाकी वीडियो में तो नहीं आती, बाकी देखिए मैं किस तरह से डार्क कर लिया हूँ, और हम लोग को थोड़ा थोड़ा देखना है और रेफरेंस में देखते जाना है कहाँ कहाँ डार्क एरिया है, तो उस चीज़ को हम लोग को यहाँ पर ड्रो करना है। तो ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं, जहाँ थोड़ा डार्क है वहाँ पर और एक बार चढ़ा लेते हैं, और ऐसे ही चलाते हुए हम लोग को अच्छे से एकदम जैसा रेफरेंस में दिख रहा है उसी तरह से हम लोग को देखना है, और उसी तरह से ड्रॉ करते जाना है। और वैसे ही हम लोग जो है ये जो पेंसिल चलाने के बाद में जो हमारा ब्रश है उससे हम लोग हाईलाइट मतलब कि जो ब्लेंडिंग कर लेंगे, हाईलाइट तो बात पे देंगे। तो देखिए किस तरह से, और जो डार्क एरिया है मैं पहले उस साइड से जो है ब्लेंड कर दे रहा हूँ, क्योंकि डार्क वाला जो है तो जल्दी हो जाए तो अच्छा हो जाता है। तो ऐसी देखिए मैं किस तरह से ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ, और ऐसी आपको भी करना है। थोड़ा सा टाइम लैप्स किया हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता है, और फिर भी समझ में आ जाता है, ऐसे भी कुछ दिक्कत नहीं है, देख सकते हो। तो ऐसे हम लोग को ब्लेंड करना है, और कम्प्लीटली जो हाईलाइट है वो लास्ट में भी होगा, अभी उतना नहीं हो रहा है क्योंकि जो बचेगा, और ये बनाने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि पेज बहुत ज़्यादा लूज हो गया है, और इसमें जो पेंसिल भी चल नहीं पाती अच्छे से। तो देख सकते हो इतना कुछ ब्लेंड कर लिया हूँ, और जो हाईलाइट देना है वो हाईलाइट दे दूंगा मैं, जो कि हम लोग Tombow 00 यूज़ कर ही रहे हैं, तो आपको पहले से दिखा रहा हूँ मैं, मतलब 2 से 3 वीडियो हो चुके हैं। देखिए किस तरह से स्ट्रोक लगा रहा हूँ जो हाईलाइट के, तो ऐसे ही हम लोग को करना है। और जैसे जो लग जाता है मतलब कि चारकोल, तो उसे हम लोग को काट लेना है, फिर से काटने के बाद में फिर से यूज़ करना है, तभी जो है ब्लेंडिंग मतलब कि जो हाईलाइट है वो अच्छे से हो पाती है। तो देखिए किस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। तो देखिए किस तरह से हाईलाइट दिख रहा है, बहुत ही गजब, और जो हाईलाइट के बिना जो है जो हेयर होते हैं अधूरे हो जाते हैं। तो देखिए किस तरह से जो मैं हाईलाइट दे रहा हूँ, और ऐसे ही हमको थोड़ा बारी बारी करके देना है, तभी जो है बहुत अच्छे से तरह से जो है हाईलाइट होगा, और जल्दबाजी नहीं करना है अपने को। तो देख सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और ये जो थोड़ा लाइट के वजह से थोड़ा ज़्यादा ही लाइट दिख रहा है, मतलब कि लाइट जो है सॉफ्ट लाइट जो मेरे तो वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से लगी नहीं है, तो उन्हें एक बार अच्छे से सेट करना पड़ेगा। बाकी जो है लाइट बहुत तेज़ आ रही है तो कम करना पड़ेगा थोड़ा। तो इस तरह से हेयर बन चुके हैं, और जो एंडिंग में जो है और भी बहुत ज़्यादा जो फर निकलते हैं, मतलब कि हल्के हल्के जो बाल, उन्हें भी लास्ट में दे देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार में नहीं होगा, मतलब जैसे कंप्लीट होता है जो हेयर उसके बाद में हम लोग देंगे जहाँ जहाँ पे हाइट लग रहा है, और जो सिंगल हेयर निकलते हैं ना तो उन्हें भी देना भी ज़रूरी रहता है। बाकी जो ज़्यादातर जो हाईलाइट दिख रहा है उसे तो हम लोग दे दे रहे इस तरह से एक बार में, और हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों।